हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम दोस्तों। बहुत दिनों के बाद आज मिलना हो रहा है, क्योंकि काफ़ी दिनों से, 5-6 दिनों से वीडियो नहीं बनाया था। ग्राउंड एनालिसिस भी रुका हुआ था। वैसे मैं उज्जैन, इंदौर, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर इन डिस्ट्रिक्ट में गया हूँ, लेकिन टाइम थोड़ा विपरीत होने की वजह से ग्राउंड से मैं वीडियो नहीं दे पाया। उम्मीद है कि आप सभी बेहतर तरीके से ग्राउंड कर रहे होंगे। जो भी बच्चे अभी तक ग्राउंड कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत अच्छी बात है। जो हिम्मत हार चुके हैं, जो इस बात को लेकर के चिंतित हो गए हैं कि हमारा नाम आएगा कि नहीं आएगा, उनके लिए हो सकता है परिस्थिति के हिसाब से बाद में थोड़ी सी दिक्कत हो। ठीक है, जैसे जैसे मैं काफी जगह पर से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिया हूं, आपने भी देखा होगा, और भी आगे चल के आपको आपको मैं अलग अलग जगह से ग्राउंड रिपोर्ट देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप अलग अलग जिले में अच्छे से अपने फिजिकल की तैयारी कर रहे होंगे। कोई ट्रेनर से कर रहा होगा, कोई पैसे दे करके कर रहा होगा, कोई फ्री में कर रहा होगा, लेकिन हर जिले में लगभग लगभग एक दो ट्रेनर ऐसे हैं जो फ्री में ट्रेनिंग करवा रहे हैं। तो आप फ्री में करें, आपके लिए ज्यादा बेटर है। ठीक है, पैसे देने से अच्छा है वही काम फ्री में कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। दूसरी बड़ी बात है कि आप लोगों को एक चीज कमेंट करके बताना है कि आप अभी जिस जिले में, ठीक है, आप जिस भी जिले में हैं, ठीक है, तो जिस जिले में फिजिकल कर रहे हैं उस जिले का आपको नाम लिख करके भेजना है। ठीक है, जितने भी जिले हो, चाहे आप 2 जिले से देखो, 3 जिले, 4 जिले के लड़के इस वीडियो को देखो, लेकिन आपको करना क्या है, उस जिले का नाम लिखना है और बोलना है कि उस जिले में कितने ग्राउंड है। 2 ग्राउंड होंगे तो 2, 3 ग्राउंड होंगे तो 3 ग्राउंड में यदि फिजिकल कर रहे होंगे बच्चे, और कितनी संख्या में फिजिकल कर रहे हैं, क्या वहां पर 200+ लड़के हैं, या वहां पर 300+ लड़के हैं, या 100 से ऊपर लड़के हैं, या 100 से कम लड़के हैं। इस प्रकार से आप जो एक कमेंट करना, ठीक है, इससे मैं कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि टोटल ऑल ओवर मध्य प्रदेश में लगभग लगभग कितने लड़के तैयारी कर रहे हैं। देखिए, एकदम 100% तो कोई अनुमान लगा नहीं सकता, ये आप भी जानते हैं, लेकिन लगभग लगभग चीजें आप, हम जो है इस चीज को, आप और हम मिलकर के इसको निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं बता दूं, यदि आप अभी फिजिकल कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, क्योंकि कभी भी किसी भी वक्त रिजल्ट आ सकता है। वैसे तो चुनाव का माहौल चल रहा है, सारी पार्टियां और कहना चाहिए जितने नेता है, सभी के सभी जो है अपने अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिनका मन नहीं लग रहा है दौड़ने में, तो पढ़ाई में मन लगा करके रखिए, चुनाव के चक्कर में अपने आप को बर्बाद मत करना, क्योंकि आपको पता है कि आने वाली जो भी सरकार हो, भर्तियां जरूर आएगी मध्य प्रदेश के अंदर में। उस भर्ती के लिए आपको एकदम प्रिपेयर रहना है। अभी रेलवे की निकली है, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार दरोगा, ठीक है, आपको यदि आप पढ़ते रहेंगे, कंटिन्यू आपका लिंक बना रहेगा, तो 100% आज नहीं तो कल आपका सिलेक्शन जरूर होगा। लेकिन आप यदि एमपी पुलिस के चक्कर में हो, और कि एमपी पुलिस में दौड़ भी नहीं रहे हो और पढ़ाई भी नहीं हो रही है, तो ये बहुत गलत बात है। यदि आप दौड़ नहीं रहे हैं तो अच्छे से पढ़ाई को कंटिन्यू करिए, और पढ़ाई यदि थोड़ी कम हो रही है तो हो सकता है आप फिजिकल कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें, जरूर आपके लिए आने वाले साल 2024 में कुछ अच्छा होने वाला है। इसी विचार विमर्श को आप अपने आप में रखिए और फिजिकल की तैयारी को कंटिन्यू करिए। चलिए, अब मैं आपका कमेंट देखूंगा, उसके बाद में कल एक वीडियो एनालिसिस बताऊंगा कि मध्य प्रदेश के अंदर लगभग कितने लड़के यहां पर तैयारी कर रहे हैं। आप यदि झूठा रिपोर्ट देंगे तो उसमें झूठा मुझे बताना पड़ेगा जबरदस्ती में, इसीलिए आप सच सच बताना, क्योंकि हर जिले से मुझे लगता है कोई ना कोई जरूर वीडियो को देखता होगा, 5 से 10 हजार लड़के इस वीडियो को देख लेते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही रखता हूं, आगे का वीडियो लेकर के मैं बहुत जल्दी आऊंगा। इसके लिए आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा लेना, ताकि एमपी पुलिस में लास्ट आपके वर्दी मिलते तक मैं आपके साथ रह सकूं। चलिए, धन्यवाद, राम राम, जय हिंद, जय भारत।